जो बोले सो निर्भय, परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो कुशल, भगवान वाल्मीकि अजर अमर तत्काल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत ही आसानी से देखिए आप इनकी पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यदि आप इनकी पहचान भी कर लेते हैं तो ये प्लांट बहुत आसानी से आपको किसी भी आसपास की नर्सरी से मिल जाएंगे। और इनके फूल बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं। देखिए कई बार ये फूल कुछ दिखने में ऐसे लगते हैं कि जैसे कि रोज़ के फ्लावर हो। आप इन्हें देखिए थोड़ा दूर से देखते हैं तो ये आपको कुछ रोज़ की तरह दिखाई देंगे, क्योंकि देखिए मुझे ये बताना भी पड़ रहा है और दिखाना भी पड़ रहा है। आप देखेंगे तो देखिए थोड़ा इनकी पत्तियाँ मुझे पास से दिखानी होगी। देखिए यदि आप इनकी पत्तियाँ थोड़ा पास से देखेंगे तो आपको कुछ रोज़ की तरह इनकी पत्तियाँ दिखाई देगी और फूल बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के आपको दिखाई देंगे। आप इस खूबसूरत फ्लावर को ना छोड़े। विंटर के समय में देखिए यदि एक प्लांट देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूलों से खिलता है और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के फूल बनते हैं और बहुत ज़्यादा सारी पत्तियाँ बनती है, तो इतनी सारी पत्तियाँ बनने वाले फूलों को आप बहुत आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। आप भी इन बड़े फूलों वाले प्लांट को ज़रूर लेकर आए। देखिए फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी के महीने में यदि आपने इन फूलों को लगाया ही नहीं तो आपने क्या लगाया। कुछ देखिए हमें बड़े साइज़ के फूल बहुत आसानी से अपने घर में लगा लेने चाहिए। और देखिए मैं आपको कुछ बातें ये भी बताऊँगा, यदि ये एक इस समय देखेंगे तो देखिए एक एक प्लांट आप देख पा रहे हैं और देखिए कुछ पॉलीथीन बैग आपको छोटे जरूर नजर आएंगे। आप कभी भी ऐसी गलती मत कीजिए, यदि आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है तो देखिए ये कुछ आपने यदि इस समय ये प्लांट कुछ बड़े पॉट में या कुछ बड़े कुछ कहीं पर भी देखिए किसी भी एरिया में लगे हुए नहीं देखे तो आप देखिए ऐसी गलती मत कीजिए। आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए ये तो कुछ छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में लगे हुए प्लांट है, बहुत ज़्यादा इनके बड़े फूल है। तो आप देखिए कभी भी इस प्लांट को लेकर आते हैं तो इसे बड़े से बड़े पॉट में लगा 10 या 12 इंची पॉट में बहुत आसानी से इसे बहुत ज़्यादा सारे के सारे फूल लिए जा सकते हैं। देखिए यदि एक प्लांट इतने ज़्यादा फूल देने वाला प्लांट होता है, विंटर वाला प्लांट होता है, तो देखिए ये प्लांट कुछ ऐसा ही प्लांट है। आप डहलिया को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती के साथ साथ देखिए पत्तियों में इनके फूल ले सकते हैं। देखिए डहलिया की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि डहलिया को जिस समय ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिलती है तो ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बड़े साइज़ में खिलता है। देखिए डहलिया इस समय देखिए आप थोड़ा पास से देखेंगे तो देखिए ये कुछ मेहरून कलर का फूल बहुत आसानी से आप देख पाएंगे। तो देखिए इतनी इसमें ज़्यादा पत्तियाँ बन चुकी है कि देखिए मैं इसकी पत्तियाँ गिन भी नहीं पाऊंगा और मुझे इतनी खूबसूरती इस फ्लावर में नज़र आ रही है। अब देखिए कभी भी आप देखते हो तो डहलिया को पास से देखते हो तो देखिए डहलिया आपको इस समय देखिए खिला हुआ बहुत ज़्यादा बनता हुआ बड़ा नज़र आ रहा है। तो आप भी इस खूबसूरत डहलिया से बहुत ज़्यादा बड़ी पत्तियाँ लें और बहुत ज़्यादा सारे फूल लें। यदि देखिए आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए डहलिया इस समय बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का बन चुका है तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फूल कि कुछ समय बाद बंद हो जाएगा, तो देखिए जैसे जैसे ये फूल बंद हो जाएगा तो आप देख सकते हैं। देखिए इसकी फूलों की कलियां मुझे दिखानी होगी, इसके साथ साथ में देखिए कितनी सारी फूलों की कलियां धीरे धीरे बनती जा रही है। यदि देखिए डहलिया का एक फूल बंद हो जाता है तो देखिए साथ साथ देखिए धीरे धीरे इसमें फूलों की कलियां बनती चली जाती है और साथ वाला देखिए फूल बनना स्टार्ट हो गया। आप देखेंगे, देखिए मुझे पिछली साइड से दिखाना होगा, प्लांट को दिखाना होगा। तो आप भी देखिए इतने ज़्यादा फूल देने वाले खूबसूरत डहलिया को जरूर लगाएं। और डहलिया देखिए कुछ रंग बिरंगी फूलों वाले प्लांट होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े साइज इनके फूलों के होते हैं। तो देखिए कई बार डहलिया को कुछ साइड एरिया में, कई रोड साइड एरिया में लगा हुआ देख लेते हैं। इसमें विंटर का समय चल रहा है। देखिए सबसे पहले देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा, देखिए मैं कुछ बातें ये बता रहा था कि आपको इनके कलर के साथ साथ देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि डहलिया इतने बड़े साइज़ के फूल वाले प्लांट होते हैं। देखिए कई बार देखिए मुझे डहलिया के फूल कुछ पास से देखता हूँ तो देखिए कुछ ऐसे लगते हैं जैसे कमल के फूल हो, पर देखिए जिस समय इनके फूल बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बनते हैं, बहुत ज़्यादा पत्तियों के बनते हैं, तो देखिए मैं तो देख कर यही अंदाज़ा लगाता हूँ कि अरे वाह, ये तो डहलिया के फूल विंटर के समय में बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं। और देखिए इनके फूलों की कोई गिनती या कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता। देखिए डहलिया के फूलों की बराबरी देखिए कोई भी फूल नहीं कर सकता। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि विंटर का देखिए सबसे बड़ा ये फूल होता है। कई बार देखिए मैंने आप सभी के सामने कुछ गुलदौदी के फ्लावर शेयर किए और सनोबॉल के फ्लावर किए, बॉल की तरह उनके फूल आपने देखे होंगे, पर देखिए डहलिया सबसे बड़ा फूल होता है। इनके फूलों का साइज देखिए कम से कम यदि मैं आपको अपने दोनों हाथ से भी इस फूल को छूता हूँ या पकड़ता हूँ तो देखिए मेरे दोनों हाथों में भी आ नहीं पाएगा। तो आप इस खूबसूरत डहलिया को जरूर लेकर आए। और देखिए मैं आपको कुछ बातें ये भी बता रहा था कि यदि आप कुछ ऐसी गलती कर लेते हैं, देखिए इस समय देखेंगे तो एक कुछ छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में ही आपको डहलिया के प्लांट लगे हुए नजर आएंगे और आप देखिए इन पर कुछ बड़े साइज के फूल बनते हुए, कुछ खिलते हुए, कुछ कलियाँ बनती हुई देख पा रहे हैं। आप कभी भी ऐसी गलती मत कीजिए, इसे कभी भी आप लेकर आते हैं तो इसे कुछ बड़े से बड़े पॉट में लगाएं और कुछ 10 या 12 इंची पॉट में आप यदि इस प्लांट को लगा भी लेते हैं तो देखिए इससे अनगिनत फूल ले सकते हैं। मैं आपको ये
जरूर बता पाऊंगा कि यदि आप इस प्लांट से कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ के फूल और बहुत ज़्यादा पत्तियाँ लेना चाहते हैं तो इसे कुछ बड़े से बड़े पॉट में ही लगाएं। देखिए कई बार हम नर्सरी पर इन प्लांट को देख लेते हैं, हमारा मन यही करता कि अरे वाह हमने कितने ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत फूल देखे पर हमें उनका नाम भी पता नहीं होता। तो देखिए आप इसका नाम जान लीजिए और इसे देख लीजिए। डायलिया को यदि आप कभी भी नर्सरी पर लेने के लिए जाते हैं, आपको यदि ये फ्लावर नज़र आ जाता है, पसंद आ जाता है, तो आप देखिए इसे लेकर जरूर आए और अपने घर में यदि लेकर आ जाते हैं तो इसे बड़े से बड़े पॉट में जरूर लगाए। क्योंकि देखिए डायलिया के फूल सबसे पहले देखिए यदि इन्हें बड़े से बड़े पॉट में या अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट या अच्छी से अच्छी रेतली मिट्टी सड़ी गोबर की खाद में लगा लिया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज के खिलते हैं। और देखिए कभी भी आप डायलिया को किसी भी छाया एरिया में ना रखें, इसे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए धूप मिलनी चाहिए। ये फ्लावर देखिए कुछ खिलते ही धूप में है, इन्हें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देखिए धूप मिलती है तो ये फ्लावर बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बनते हैं और बहुत ज़्यादा पत्तियों के बनते हैं। कई बार देखिए कुछ ऐसी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम डायलिया को शौक तौर पर अपने घर में लेकर आ जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि देखिए नर्सरी पर हमने इस फ्लावर को देखा है, बहुत ज़्यादा से बड़े बड़े साइज़ के फूल है, बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी फूल है। तो आप देखिए इससे रंग बिरंगी फूल बहुत आसानी से ले सकते हो और बहुत ज़्यादा पत्तियाँ ले सकते हो और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के फूल किस तरह से ले सकते हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए बड़े पॉट में भी लगाए और कुछ हल्की धूप में ना इसे रखें, इसे छाया एरिया में ना रखें, इसे बड़े जहाँ पर देखिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सन हो, ज़्यादा से ज़्यादा धूप हो, उसे आप वहीं पर रखें। क्योंकि देखिए डायलिया खिलता ही धूप में है और धूप में ही इसके बहुत ज़्यादा बड़े फूल बनते हैं। तो देखिए डायलिया को देख लीजिए। देखिए मैं आपको ये भी बताऊँगा कि यदि इस समय देखिए डायलिया के फ्लावर देखिए इस समय छोटे छोटे पॉलिथीन बैग में मुझे और दिखाना होगा और बताना होगा। देखिए इनकी मिट्टी भी देखिए आप देखेंगे तो कुछ आपको अलग नजर आएगी, चिकनी मिट्टी में लगे हुए आपको नजर आएंगे। देखिए कभी भी कोई भी नर्सरी की मिट्टी होती है प्लांट के लिए हानिकारक होती है, वो अच्छी मिट्टी नहीं होती। आप देखिए कभी भी इस प्लांट को लेकर आते यदि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इनकी मिट्टी ज़्यादा तो नहीं होगी, पर देखिए छोटी छोटी पॉलिथीन बैग है ये, इनकी हल्की कुछ हल्की हल्की मिट्टी करनी होगी। देखिए मुझे यहाँ तक मैं बताऊँगा, देखिए यदि मैं यहाँ तक इनकी हल्की हल्की मिट्टी कर लेता हूँ, देखिए इस प्लांट की मिट्टी यहाँ तक हल्की कर लेता हूँ तो इन प्लांट को देखिए बहुत आसानी से बड़े पॉट में लगाया जा सकता है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट में लगाया जा सकता है और बहुत ज़्यादा इनसे फूल लिए जा सकते हैं। और देखिए मैं आपको ये भी बता रहा कि यदि इस समय देखिए फरवरी का महीना चल रहा है तो देखिए फरवरी के महीने में डायलिया ये आपको बहुत ज़्यादा बड़े फूलों का इस समय प्लांट नजर आएगा। देखिए गुलदौदी का सीज़न तो देखिए जा चुका है, कई बार देखिए हम गुलदौदी के मैं आपको बता रहा सनोबॉल के फूल होते हैं उन्हें देख लेते हैं और देखिए आप इन्हें देख लीजिए। ये तो देखिए सबसे बड़ा फूल होता है, सबके जितने भी देखिए विंटर के फूल होते हैं उन्हें टक्कर देने वाला फूल होता है, इससे बड़ा आप कोई भी फूल देख भी नहीं पाएंगे और आपको नज़र भी नहीं आएगा। डायलिया देखिए कुछ रंग बिरंगी पत्ती वाला फूल जरूर होता है पर देखिए इसकी पत्तियाँ आप सड़ने और गन्ने से किस तरह से बचा सकते हैं, यदि आप डायलिया को अपने घर में लेकर भी आ जाते हो तो देखिए इसकी पत्तियाँ आप किस तरह से स्वस्थ और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती में खिली किस तरह से देख सकते हैं आप। डायलिया में भी देखिए पानी की मात्रा कम से कम रखें, डायलिया की देखिए पत्तियाँ बहुत हल्की पत्तियाँ होती है और बड़े साइज़ के फूल बहुत आसानी से इसके बनते हैं। तो आप देखिए डायलिया को बहुत आसानी से ज़्यादा फूलों से खिला हुआ अपने घर में देख सकते हैं। तो देखिए डायलिया के दोनों ही कलर आप देखेंगे, मैं आपको देखिए नाम भी बता नहीं पाया, जल्दबाजी में देखिए मुझे आपके सामने ये प्लांट शेयर करने पड़ रहे हैं और मुझे ये भी इनके बारे में बताना होगा। तो देखिए मैं आपको कुछ ये भी बताऊंगा कि देखिए इस समय देखेंगे तो देखिए डायलिया बहुत ज़्यादा मैरून कलर में आपको खिलता हुआ नजर आएगा। देखिए इस पर देखिए छोटा सा प्लांट जरूर आपको नजर आएगा, फूल बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का होगा। देखिए एक ही फूल इस पर नहीं होगा, आपको देखिए कई सारे देखिए छोटी छोटी फूलों की कलियाँ, कई सारे फूल खिलते हुए पिछली साइड में आपको दिखा रहा था और बता रहा था, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इसमें फूल बनते हुए चले जाएंगे। और देखिए आप थोड़ा और देखेंगे तो देखिए दूसरा प्लांट देखेंगे तो देखिए बहुत ही खूबसूरत देखिए गुलाबी कलर का फूल है, बहुत ही खूबसूरत गुलाबी कलर का फूल है, आप देख सकते हैं। देखिए डायलिया का फूल है बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए इस समय ये कुछ हाफ खिल चुका है, ओपन पूरा हो नहीं पा रहा। देखिए इस समय देखिए यदि ये प्लांट देखिए कुछ बड़े पॉट में लग जाएंगे तो बहुत आसानी से इसके फूल ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के बनते हुए चले जाएंगे। और मुझे और कुछ दिखाना होगा बताना होगा, देखिए अपने हाथ में लेकर तो ये फूल दिखाना ही होगा, आप देख सकते हैं। देखिए मेरे हाथ में भी ये खूबसूरत डायलिया का बहुत ही खूबसूरत देखिए बड़े साइज़ का फूल है और देखिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छे वर्मी कंपोस्ट में ही लगाए। और यदि आप देखिए एक ही इस समय देखेंगे तो देखिए इस प्लांट पर आप देखेंगे तो देखिए आपको कुछ डायलिया का एक ही फूल बनता हुआ नजर आएगा। देखिए मुझे और कुछ दिखाना होगा, देखिए इसमें साइड एरिया में देख सकते हैं, देखिए छोटी छोटी फूलों की कलियां देखिए बन रही है। और देखिए मुझे कुछ और पास से दिखाना होगा और बताना होगा, तो देखिए दूसरे वाले प्लांट को यदि मैं आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, इसके फूल को भी आपको दिखा रहा हूँ, तो देखिए आप देखेंगे तो देखिए इसकी पत्तियाँ देखेंगे तो देखिए आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रीनी छोटी छोटी जैसे कि गुलाब की पत्तियाँ होती है, रोज़ फ्लावर की पत्तियाँ होती है, पर इसमें कांटे नहीं होंगे। देखिए डायलिया के फ्लावर में आपको कांटे तो बिल्कुल भी कहीं भी नज़र नहीं आएंगे, जितने भी देखिए हमारे रोज़ के प्लांट होते हैं तो उनमें देखिए कांटे होते हैं और कुछ छोटी छोटी इसी की तरह देखिए इनकी पत्तियाँ होती है, रोज़ की पत्तियाँ इसी की तरह होती है, छोटी छोटी पत्तियाँ होती है। तो देखिए दूसरे वाले प्लांट को आप देखेंगे ये कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ ओपन एरिया में नर्सरी पर रखा हुआ था, जहाँ पर देखिए इस समय रात के समय में कुछ ओस गिरती है, कुछ कोहरा हल्का हल्की
इस पर देखिए कुछ कोहरे की मार हुई होगी, तो फिर भी देखिए ये प्लांट फूलों से ज़्यादा आपको खिला हुआ नजर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यदि ये प्लांट कुछ बड़े पोट में अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट में लग जाएंगे तो देखिए इन्हें खाद के साथ साथ कुछ पानी भी मिलता रहेगा, तो ये प्लांट धीरे धीरे देखिए ग्रीनरी हो जाएंगी, इनकी पत्तियाँ दोबारा से ग्रीनरी हो जाएगी। अभी तो देखिए इनकी फूलों की शुरुआत है, ये प्लांट काफ़ी लंबे समय तक देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूल दे देंगे। मैं आपको ये बातें भी बता रहा था कि देखिए यदि एक ही डायलिया का प्लांट देखिए इतने ज़्यादा फूल देता है और बड़े साइज के फूल देता है, तो आप इसे ना छोड़े इसे ज़रूर लेकर आए। कई बार देखिए हम ये सोचते हैं कि हमारे कुछ प्लांट इस तरह के होते हैं कि उनमें एक प्लांट पर देखिए 100 या 120 150 फूल दे देते हैं और छोटे छोटे फूल ही बनते हैं, पर देखिए डायलिया पर कभी भी आप देखेंगे तो देखिए बड़े फूल किस तरह से ले सकते हैं, इसे बड़े से बड़े पोट में यदि हम लगाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के फूल लेते हैं। डायलिया को देखिए इसीलिए बहुत ज़्यादा बड़े फूलों का प्लांट माना जाता है और कहा जाता है। डायलिया देखिए जितना बड़े फूलों का प्लांट होता है उतनी इसकी बहुत ज़्यादा पत्तियाँ बनती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है। तो देखिए आप ये दोनों कलर देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको खूबसूरत मैरून कलर और गुलाबी कलर नजर आएगा। और देखिए मैं आपको ये कुछ बातें ये भी बता रहा था कि यदि हम डेले को पास से देखते हैं तो देखिए कुछ कमल की तरह दिखाई देता है, इसकी पत्तियां ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है। यदि आप देखिए इस समय इस खूबसूरत डेलिया को देखेंगे तो देखिए पत्तियां इतनी अनगिनत 1000 पत्तियां एक ही फूल में आपको नजर आएगी। और देखिए इसमें भी देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कम से कम इसमें देखिए 500 पत्तियां बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, मैं गिन तो नहीं पाऊंगा। तो आप इस खूबसूरत डेलिया को जरूर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएं। और देखिए मैं आपको ये भी बता रहा था कि यदि इस समय इस खूबसूरत डायलिया को आप लेने के लिए जाएंगे या आपको नर्सरी पर जरूर मिल जाएगा। और देखिए इनका प्राइस ज़्यादा महंगा नहीं होता, इस समय देखिए आप कम से कम इन्हें यदि लेकर आ जाते हैं तो नर्सरी पर आपको 30-30, 40-40 रुपए के बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इतने बड़े फूलों वाला प्लांट यदि आपको देखिए 30 या 40 रुपए का बहुत आसानी से खिलता हुआ देखिए मिल जाता है, तो आप इस खूबसूरत डायलिया को ना छोड़ें। यदि देखिए 30-30 या 40-40 रुपए वाले प्लांट होते हैं और देखिए विंटर वाले प्लांट होते हैं फरवरी के महीने में, ये देखिए आपको कुछ ज़्यादा ही हर किसी नर्सरी पर मिल जाएंगे, तो आप इन खूबसूरत डायलिया को जरूर लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और देखिए आपको कुछ बातें ये भी बताऊंगा कि डायलिया के देखिए बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के फूल इसीलिए खिलते हैं, देखिए इनका समय फरवरी का महीना ज़्यादा से ज़्यादा खिलने का, फरवरी के महीने में देखिए खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तो देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि इनका खिलने का समय स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि देखिए सिंगल प्लांट है, सिंगल प्लांट पर देखिए इतनी ज़्यादा डायलिया की यदि मैं इसे धूप में रख देता हूँ तो देखिए बहुत ज़्यादा कलियाँ बनेगी, कलियों के साथ साथ देखिए फूल बनते हैं। तो देखिए आप इस खूबसूरत डायलिया से बहुत ज़्यादा बड़े फूल लें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने घर में लगाएं। आप देखिए इन प्लांट को महंगे ना समझिए, ये प्लांट बहुत सस्ते प्लांट होते हैं, बहुत ही सस्ती कॉस्ट वाले प्लांट होते हैं, मैं आपको इनका प्राइस भी बता चुका हूँ। तो आप देखिए इस खूबसूरत एक ही डायलिया से रंग बिरंगी कितने सारे फूल ले सकते हो और कितने ज़्यादा इससे खूबसूरती पत्तियाँ ले सकते हो, तो आप इस खूबसूरत डायलिया को जरूर लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लगाना चाहिए। और देखिए डायलिया देखिए कभी भी यदि आप कहीं ओपन एरिया में भी रख देते हैं, मैं आपको कुछ बातें ये भी बताऊंगा कि इससे देखिए जितनी मैं आपको ये बता रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिलती है, ये प्लांट देखिए धूप को भी बहुत आसानी से सहन कर लेता है। कई देखिए हमारे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि धूप में इनके फूल खिलते भी नहीं है, पर देखिए डायलिया यदि आप कुछ धूप ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ धूप ही चाहिए, ये धूप में ही ज़्यादा से ज़्यादा बड़े साइज़ के बनते हैं, तो आप इस खूबसूरत डायलिया को जरूर लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और देखिए मैं ज़्यादा तो इनके बारे में बता नहीं पाऊंगा, यदि मुझे थोड़ा बहुत इस प्लांट के बारे में पता तो मैंने आप सभी के सामने दोनों ही खूबसूरत डायलिया के प्लांट और डायलिया के खूबसूरत देखिए फूल शेयर किए और आपको ये बताया। तो देखिए डायलिया के फूल कुछ गुलाब से या कुछ रोज से या कुछ देखिए कुछ कमल से मिलते जुलते हुए ज़रूर होते हैं, पर इनके कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, बड़ी पत्ती वाले फूलों के प्लांट होते हैं, तो आप इस खूबसूरत डायलिया को जरूर लेकर और देख लीजिए। डायलिया ही डायलिया आपको इस समय देखिए किसी भी आसपास की नर्सरी पर आप लेने के लिए जाएंगे तो आपको ये नज़र आ जाएंगे। और देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा थोड़ा देखिए मुझे इनकी पहले वाले प्लांट की थोड़ी पत्तियां दिखानी होगी। देखिए पहले वाले प्लांट की पत्तियां देखेंगे तो देखिए आप पत्तियों के बीच में एक छोटी सी खूबसूरत डायलिया की कली भी बन चुकी है। ये देखिए कुछ समय बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए इस समय आप देखेंगे तो देखिए बड़े साइज़ का डायलिया का फूल खिला हुआ आपको नजर आ रहा है, तो इसी की तरह देखिए इस फूल को भी बहुत आसानी से बनना होगा और खिलना होगा। देखिए यदि आप इसे जब तक बड़े से बड़े पोट में नहीं लगा लेते तो ऐसे फूल आप बिल्कुल भी बड़े साइज़ के नहीं ले सकते। आप कभी भी देखिए कुछ ऐसी गलती मत कीजिए, आप इन प्लांट को बड़े से बड़े पोट में ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पसंद करें, तभी इनसे बहुत ज़्यादा कलियाँ ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं। और देखिए आप अपने प्लांट को यदि बड़े से बड़े पोट में भी लगा लेते हैं तो इसमें कुछ देखिए कुछ वर्मी कंपोस्ट या कुछ ऐसा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 15-15 दिन बाद बहुत आसानी से आप इसमें एमपीके या डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने मनपसंद से देखिए 15-15 दिन छोड़कर हल्की हल्की या कुछ डीएपी या कुछ नीम खली का इस्तेमाल करना चाहे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप इस खूबसूरत डायलिया को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आए।